हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है। जैसा कि आपको पता ही है, फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। फिफ्थ सेमेस्टर में हमारी कितनी है? दो किताबें हैं, दो बुक्स हैं। तो दो बुक में से हम पहली पढ़ रहे हैं कौन सी? ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। इसकी यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। इसमें हमने क्या पढ़ लिया है? एल्केन्स हमने पढ़ लिया और हमारा क्या चल रहा है? साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स में हमने साइक्लो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन का मेथड, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन्स चल रहा है ना, उसमें ही पढ़ेंगे आज हम बेयर स्ट्रैन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। तो एक बात बता दूं आपको, ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी पूरी एंड तक, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि 2-3 मिनट की देखी और बोला कि हमें समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, छोड़ना नहीं है, एंड तक देखो, गारंटी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बेयर स्ट्रैन थ्योरी में पहले आप देखो, हमने क्या पढ़ा था? साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स में क्या पढ़ा था? कैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके? साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, रिंग फॉर्म में होते हैं। ये तो थे साइक्लो एल्केन में जो स्ट्रक्चर थे वो। तो इन्होंने, बेयर ने क्या बताया? इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया। अब स्टेबिलिटी को हिंदी में स्थिर, तो आप इससे मतलब लगा लो। स्टेबिलिटी मतलब स्थिर, मतलब क्या समझते हो उससे? मजबूत, स्ट्रोंग, ठीक है। जो जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, उसको तोड़ने में उतनी ही मेहनत लगेगी, वो नहीं टूटेगा या बहुत कम टूटेगा, ठीक है। इससे लगा लोगे, स्टेबिलिटी से क्या मतलब लगा लोगे? मजबूत, मजबूत मीन्स जो जितना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, उसको तोड़ने में किसी भी चीज़ को, चाहे वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रोंग हो या फिजिकली ज़्यादा स्ट्रोंग हो, तो उसको तोड़ने में मेहनत लगती है ना, आपको भी पता है। तो उसको उतनी तोड़ने में क्या होगी? कठिनाई होगी, वो बहुत कम टूटेगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देखो, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो ये अगर हमारा स्टेबल होगा, ठीक है, अगर ये हमारा स्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड क्या है? ये जो बॉन्ड है ये बहुत कम टूटेंगे। अगर ये अनस्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड क्या होंगे? ईजिली टूट जाएंगे। इस यही थ्योरी किसने दी थी? यही बोली थी बेयर ने, यही बताया था। क्लियर हो गया? अब देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंगल है, जो कंपाउंड का, जो हमारे कंपाउंड का एंगल स्ट्रेन है, तो आप अभी ये बस समझ लो, देख लो, आपको आगे मैं बता दूंगी एंगल स्ट्रेन क्या है, कैसे है, क्यों है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, देखते रहो, एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई, हम लिखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, सब काम करेंगे, पहले आप समझ लो। तो एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी कम होगी। तो एंगल स्ट्रेन से पहले एक दो बात हम समझ लेते हैं। जो हमारी एल्केन है, सिंपल एल्केन्स जो थी, सिंपल एल्केन मतलब जो साइक्लिक में नहीं थी, ये तो साइक्लो एल्केन्स है। अब हम सिंपल एल्केन की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हम सिंपल एल्केन के बारे में एक बात करते हैं। जो हमारी सिंपल एल्केन है, CH3, CH2, CH3, ठीक है, ये जो हमारी सिंपल एल्केन है, इनके अकॉर्डिंग ये जो हमारे साइक्लोप्रोपेन, जो हमारे सिंपल एल्केन है, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे ये साइक्लो
एल्केन है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो एल्केन है, साइक्लोब्यूटेन है, हेक्सेन है, इनका जो एंगल स्ट्रेन है वो कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, कितना होना चाहिए ये वाला एंगल, यहाँ लिख देती हूँ कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होना चाहिए इनका एंगल, ठीक है। साइक्लो एल्केन के अकॉर्डिंग जो ये साइक्लिक हैं, समझ में आ रहा है ना, साइक्लो एल्केन के अकॉर्डिंग, सॉरी सिंपल एल्केन के अकॉर्डिंग जो ये हमारे साइक्लो एल्केन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, इनका जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, इतना क्लियर हो गया, वापस से समझाने की कोई बात नहीं है। तो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, कितना होना चाहिए एक्चुअल में, ये इतना होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, अभी एक एग्जांपल लेके समझो, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन वाला ही लेंगे हम, ये इसकी थ्योरी का मेन पार्ट है, क्या जो हमारे कंपाउंड है उनका एंगल स्ट्रेन एक्चुअल में इतना होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, होता नहीं है इतना, होना इतना चाहिए, ये क्या है, मेन पार्ट है हमारी इस थ्योरी का जो हम समझ रहे हैं। तो हम साइक्लोप्रोपेन का ये एग्जांपल लेके समझेंगे, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, तो इसका एंगल ये कितना होता है, ये सारे कितने कितने के होते, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है, इतना तो हमें पता ही है, ये कितना है, 60 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इतना, इतना मतलब ये ऐसे होना, ऐसे, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये है ऐसे 60 डिग्री पे होना चाहिए इतना हमारा, ये कितना होगा, ये फिर हमारा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, होना इतना चाहिए लेकिन है इतना, ठीक है। तो अब ये जो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट जो एंगल स्टैंड है, ठीक है, इस वाले एंगल स्टैंड और ये जो है 60 डिग्री एंगल स्टैन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, एंगल स्टैन, ये वाला, ठीक है, इसके और इसके बीच का जो ये डिफरेंस है, दिख रहा है ना, इसके 109 डिग्री 28 मिनट और 60 डिग्री के बीच का जो ये डिफरेंस है ये क्या है, एंगल स्टैन, ऐसे निकलता है इसका एंगल स्टैन, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल स्टैन निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, कितना होना चाहिए एक्चुअल में, इतना होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया साइक्लोप्रोपेन का, जैसे इसका एंगल 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, होना तो एक्चुअल में इतना चाहिए लेकिन इसका है 60 डिग्री, तो इसके इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा एंगल स्ट्रेन। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर इसका एंगल स्ट्रेन निकालना सीख लेंगे, ठीक है, अभी लिख लो पहले। एडोल्फ बेयर, ये थ्योरी किसने दी थी, एडोल्फ बेयर प्रपोज्ड इन 1885, एडोल्फ बेयर ने ये जो थ्योरी दी थी 1885 में दी थी, 185 में दी थी, एंड ही गेट नोबल प्राइज, और उसे नोबल प्राइज भी मिला था इस थ्योरी के लिए। नोबल प्राइज फॉर दिस थ्योरी, ठीक है, 195 में। अब इसे लिखो आगे, द एक्सप्लेन
द एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन्स। देखो मैं बोल रही हूं, राइटिंग समझ में ना आए तो द एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द नॉर्मल एंगल बिटवीन पेयर ऑफ ए कार्बन एटम इज कार्बन एटम इज 109 डिग्री 28 मिनट। नाउ द अज्यूम्ड दैट ऑल साइक्लोएल्केन्स आर प्लानर, स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ साइक्लोएल्केन्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल स्टैंड। किस पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी कंपाउंड की? कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है किस पे डिपेंड करती है? एंगल स्टैंड पे करती है। एंगल स्टैंड जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? कम होगी। तो एंगल स्टैंड ये ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ये लिख लेना। ये लिखा है एंगल, ये लिखा है स्ट्रेन, ये इंक्रीज का यानी ज्यादा का एरो ऊपर को लगा रखा है, ये स्टेबिलिटी लिखा है, स्टेबिलिटी पे कम का नीचे को लगा दो। ये स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इससे नीचे बस एक लाइन और लिखनी है इसके आगे। इन साइक्लोएल्केन्स द मोर एंगल स्ट्रेन द मोर अनस्टेबल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो।
फिर हम क्या करेंगे, एंगल स्टैंड निकालना सीख लेंगे, और फिर हमें क्या हो जाएगा, ये क्लियर भी हो जाएगा। क्लियर तो हो गया होगा, हमें निकालना आ जाएगा। इतने एंगल स्टैंड नहीं निकालना आएगा, इतने हम बता ही नहीं सकते कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। स्क्रीनशॉट लो, हो गया होगा। अब देखो एंगल स्टैंड निकालना सीख लेते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन ही है, ठीक है, ये देखते ही पहचान लेंगे हम। क्या है ये हमारा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसका ये कितना है, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। एक्चुअल में कितना होना, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका और इसके बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एंगल स्टैंड। इधर लिख देती हूँ, इसमें से 60 डिग्री माइनस करेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, एंगल स्टैंड। ठीक है, अब निकालना देखो। तो ये जो ये डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा कंपाउंड उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये देखो ये दो पार्ट है ना, एक ये एक ये, तो हम एक पार्ट का निकाल लेंगे, इधर वाले का निकाल लेंगे तो इधर वाले का भी उतना ही होगा, समझ गए। तो हम किसका निकालेंगे, इधर वाले का, एक पार्ट का निकाल रहे हैं तो लिख लेंगे 1/2। हम एक पार्ट का निकाल रहे हैं, इधर लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, 1/2। जब एक पार्ट का निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे 1/2। और हमें पता है एंगल स्टैंड कैसे निकलेगा, तो एंगल स्टैंड कैसे निकाला है, डिजायर एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। तो हम लिख लेते हैं 109 28 मिनट माइनस 60 डिग्री। तो इधर करके दिखाती हूँ, तो इधर तो 60 लिख लेंगे, यहाँ 0 0 लगा लेंगे, इससे आगे कुछ नहीं है तो ये माइनस करेंगे, ठीक है, ऐसे तो कर ही लोगे, माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 4, ठीक, 49 डिग्री 28 मिनट। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं किया इसमें से, ये माइनस किया है 60 को, तो कितना आ गया हमारा, 49 डिग्री 28 मिनट। अब क्या करना है, ये 1/2 है तो 2 से ये होगा क्या, ये हमारा आ गया, देखो टू से डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। उधर सोल्व करके दिखा रही हूँ, इधर लिख रही हूँ, तो क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, समझ में आ रहा हो, इतना तो आता ही होगा हमें, 2 2 जा 4, 2 आ गया, 2 4 जा 8, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा ना, 1 बचा ना, तो ये हमारा 1 जो है ये 1 डिग्री, ये इधर 28 में आके 29 नहीं होगा, 128 भी नहीं होगा, उसका क्या करेंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा ये 1 डिग्री बचेगा तो क्या है, 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के, ये हमें पता ही होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, या सबको पता होगा तो अच्छी बात है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमारा जो 1 डिग्री बचा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, 60 मिनट जो है वो 28 मिनट में जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो कितना आ गया, 88 मिनट आ गया। तो हमारा ये सोल्व हो गया, ठीक है, यहाँ कितना आया है, 24 तो था ही हमारा, क्योंकि ये सोल्व करा 2 से, तो 24 तो था ही। अब यहाँ क्या आ गया हमारा, एक बार देखो मैं इधर ही करके दिखा देती हूँ, 24 ये आ गया, 60 मिनट। अब 2 से ये तो कट गया था, ये बच रहा था हमारा, तो अब हम इसे काटेंगे, सॉरी 60 मिनट नहीं है, या 88 आया था ना हमारा,
88 मिनट। तो इसे क्या टू से काट देंगे, इसे ये तो कट ही गया था, इसको नहीं काटना हमें, ये 49 था ना हमारा, ये काट के 24 आया था ना, तो इसमें 1 डिग्री बचा था, उसकी जगह हमने 60 लिखा, 60 में 28 ऐड किया, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 जाए 44 आ गया, तो कितना आ गया हमारा 24 डिग्री 44 मिनट। तो ये क्या आ गया हमारा इसका 24 डिग्री 44 मिनट, ये क्या आ गया इसका एंगल स्टैंड। ठीक है, समझ में आया, एक बार और समझा दूंगी, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लिखनी समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब हम तभी बता सकते हैं ये स्टेबल है, इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये आएगा निकालना तभी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रफ में कहीं अलग, एक बार और दोबारा समझाऊंगी आपको। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ वापिस से। देखो अब हमने क्या करना है, साइक्लोप्रोपेन है, इसका हमें एंगल स्टैंड निकालना है। निकालते कैसे हैं, ऐसे जो हमारा डिजायर एंगल है उसमें से एक्चुअल एंगल हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम एक पार्ट का निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, इधर का निकाल लें एक पार्ट का, तो ये हमारा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस क्या करना है 60, जो हमारा एक्चुअल वाला है, इतना समझ लेंगे। इसमें से हम माइनस कर लेंगे 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें से क्या कर लेंगे 60, ये क्या कर लेंगे 60 डिग्री है, ये 28 मिनट है, इसीलिए हमने क्या लगा लिया, आगे जीरो लगा ली, इसमें से डिग्री में से डिग्री माइनस कर देंगे, यहाँ 8 आया, यहाँ 2 आया, 9 में से जीरो गई 9, 10 में से 6 गया 4, तो 49 डिग्री 28 मिनट हमारा ये आ गया। अब इतना ये हमारा 1/2 बचा है, ये इतना आया हमारा, इधर ही लिखती हूँ, 49 डिग्री 28 मिनट है, ये 1/2 हमने रख रखा था क्योंकि एक पार्ट का निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 2 इसके नीचे लिखेंगे हम, 49 डिग्री 28 मिनट, तो 2 से जब इसको काटेंगे 2, ये 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, तो 1 बचा, क्यों 9 था, 2 4 ज़ा 8, तो 9 में से 8 गया, तो 1 तो बचा, 1 डिग्री बचा हमारा। ठीक है, 49 डिग्री में से कितना बचा हमारा, या 1 डिग्री, जब हमने 2 से इसको डिवाइड करा तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है 60 मिनट के, ये ध्यान में रखना है, 1 डिग्री किसके 60 मिनट के बराबर होता है। तो इस 60 डिग्री को हम क्या करेंगे 28 में प्लस कर देंगे, ये 28 में हमने कर दिया प्लस, 86 तो 88 आ गया। ठीक है, अब 88 आ गया, इस 88 को जो हमने इतना ये 2 से काटा तो इसको भी तो काटना है, तो हमारा ये कितना है 88, अब 88 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 44, तो 24 डिग्री 44 मिनट, ये हमारा किसका, इसका एंगल स्टैंड आ गया 24 डिग्री 44 मिनट। एंगल स्टैंड निकालना आपको आ गया होगा, ऐसे ही आप और, ये तो हमने साइक्लोप्रोपेन का निकाला, साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोहेक्सेन का, सबको आपको निकाल के देखना है, एक बार इसके बारे में लिख ले। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कहीं स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो साइड में, फिर इसके बारे में लिख लेते हैं। ये इसका मैंने लिख दिया है ये एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन का, आपके नोट्स के लिए तैयार हो जाएगा, आपको एग्जाम टाइम में परेशानी नहीं होगी, ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, डिजायर एंगल कौन सा है, एक्चुअल एंगल कौन सा है, और एंगल स्टैंड कैसे निकलेगा, और हमारा आया क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो साइड में। तो अब कुछ एग्जाम्पल और हैं, ये साइक्लोब्यूटेन का है, वो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसका 90 डिग्री, तो इसका एस यानी एंगल स्टैंड शॉर्ट में लिख दिया, वो ऐसे निकलेगा, इसका इतना आएगा, वैसे ही निकालना है सेम जैसे मैंने साइक्लोप्रोपेन का आपको निकालना सिखाया था। ठीक है, इसका भी ऐसे ही होगा, साइक्लोब्यूटेन का ये 108 डिग्री है इसका एंगल, तो एंगल स्टैंड इसका निकाल लिया है, इसका आया 0.44। अब ये साइक्लोहेक्सेन का देख लो, यहाँ ये CH2 है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पता भी होगा ना भी बताऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइक्लोहेक्सेन है इसका देख लो आप, इसका जो एंगल स्टैंड है वो किस में आया, माइनस में आया, -5 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, तो इसमें माइनस में ये सोच लेना मत, ये कम है,
तो इसमें एंगल में माइनस और प्लस ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। मायने क्या रखेगा, खाली ये कितना आया है 5 डिग्री 16 सेकंड। आपको ये नहीं देखना सिंबल क्या है, आपको ये देखना है कि आपका आया कितना, उस हिसाब से आप स्टेबल लगा लेगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। माइनस से कम मत लगा लेना, ठीक है। ऐसे ही समझाने के लिए मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन के बारे में बताया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक टेबल बनाती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। तो आगे ये आप ये वाली टेबल बना लो, ये कंपाउंड है, ये डिजायर्ड एंगल, एक्चुअल एंगल और ये एंगल स्टैंड जो हमारा निकल के आया था, ये स्ट्रक्चर। तो जो हमारा कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, जो साइक्लोप्रोपेन हो या कोई भी हो, इनका डिजायर्ड एंगल इतना ही था, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। जो ये साइक्लोप्रोपेन है इसका एक्चुअल एंगल 60 डिग्री, और इसका जो एंगल स्टैंड हमने निकाला था इसमें से ये माइनस करने के बाद जो हमारा आया था 24 डिग्री 44 मिनट आया था, और इसका स्ट्रक्चर ये, ठीक है। ये है साइक्लोब्यूटेन, मैंने यहाँ साइक्लो नहीं लिखा है, आप लिख लेना अपने नोट्स में, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो साइक्लो जरूर लगा लेना, ठीक है। ये डिजायर्ड एंगल, और इसका जो एक्चुअल एंगल था वो कितना था 90 डिग्री, और इसका माइनस करके हमारा ये आया, जो एंगल स्टैंड आया 90 डिग्री 9 डिग्री 44 मिनट, और ये इसका स्ट्रक्चर। साइक्लोपेंटेन 109 डिग्री 28 मिनट, 108 0.44 मिनट, और ये इसका क्या है स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन का 109 डिग्री 28 मिनट, 120 डिग्री एक्चुअल एंगल जो निकल के आया हमारा एंगल स्टैंड 5 डिग्री 16 मिनट, या 5 डिग्री 16 मिनट लिख लो, या माइनस लगा लो प्लस लगा लो, एक ही बात है, हमें सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है। और ये इसका स्ट्रक्चर तो क्या है, अकॉर्डिंग टू बेयर स्टैंड थ्योरी, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बेयर स्टैंड थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स आर, जो साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी है उसकी वो दी गई है। देखो पहले सबसे कम किसकी है, इसकी साइक्लोप्रोपेन की, फिर साइक्लोब्यूटेन की, फिर साइक्लोहेक्सेन की, फिर साइक्लोपेंटेन की, ठीक है। तो क्या समझा था हमने, एंगल स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो एंगल स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसका आ रहा है, किसका साइक्लोप्रोपेन का, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी साइक्लोप्रोपेन की, फिर उसके बाद जो एंगल स्ट्रेंथ है वो इसका आ रहा है साइक्लोब्यूटेन का, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे सबसे कम इसकी, इसकी इससे थोड़ी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, जिसका एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, समझा था ना, ये ध्यान में रखना, एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये लगाई है, ठीक है। इसकी इसकी फिर किसकी आ गई, इसकी साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है, फिर सबसे लास्ट में किसकी है साइक्लोपेंटेन की। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। तो अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, आप लिख लेना है लिमिटेशंस, ये इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो दिस थ्योरी ओनली अप्लाइज ऑन द लोअर साइक्लो एल्केन्स, बेयर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेंथ इन लार्जर रिंग सिस्टम। तो ये जो थ्योरी थी, जो बेयर स्टैंड ने दी, ये लोअर साइक्लो एल्केन्स के लिए थी, ठीक है, जो लोअर साइक्लो एल्केन्स थे उनके लिए थी, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन थे उनके लिए ही थी ये, बाकी आगे के लिए ये नहीं थी, यानी फेल हो गई थी आगे के लिए। कैसे, अब देखो, जो हमारा साइक्लोपेंटेन था उसका जो हमारा एंगल स्टैंड था, जो अभी मैंने टेबल बनाया था उसमें भी, और पहले भी निकलवाया था, ठीक है। सो साइक्लो हमारा पेंटेन था, उसका क्या था 0 डिग्री 4 मिनट, ये तो था एंगल स्टैंड, और जो हमारा साइक्लोहेक्सेन था उसका था 5 डिग्री 16 मिनट, ठीक है, ये तो था, ये साइक्लो पेंटेन का था, साइक्लो पेंटेन, ये साइक्लोहेक्सेन का था। तो इसमें क्या है, इसमें देखो आप, जो एंगल स्टैंड है हमने पढ़ा था, एंगल स्टैंड जितना ज़्यादा होगा
उसका तो स्टेबिलिटी कम होगी, एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, यही तो पढ़ा था हमने। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो हमारा साइक्लोपेंटेन है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेन तो कम है, ठीक है, इसका एंगल स्ट्रेन तो कम है, इसका ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। लेकिन इसमें दिखाया क्या गया है, ये देखो, लेकिन साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लो, ये सी लिख दिया मैंने खाली है, साइक्लो पेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट प्रैक्टिकली इट इज रिवर्स्ड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, होना तो ये चाहिए था लेकिन है ये, तो ये यहाँ भी फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सो हायर साइक्लो एल्केन्स आर नॉट फॉलो दिस रूल, तो जो हमारे हायर साइक्लो एल्केन है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, साइक्लोहेक्सेन हुआ, साइक्लोहेप्टेन आर मोर स्टेबल। अब दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग इजली, ये जो है क्या है, रिंग ओपनिंग नहीं देते हैं, जैसे कि हमारा साइक्लो एल्केन दे देता है, ये इजली ये लिखा है, ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।